श्रीनगर के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 विपक्षी नेताओं के साथ रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर पहुंचा। इस दौरान राहुल राज्य के हालात का जायजा लेंगे, साथ ही स्थानीय नागरिकों से मुलाकात भी करेंगे, ऐसा वो सोच के निकले थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जो ये पूरा जत्था था विपक्षी पार्टियों का, उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। यहां ये कार्यक्रम हैदराबाद के नेशनल पुलिस एकेडमी एनपीए में आयोजित किया गया था। यहां 70 आरआर अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण 18 दिसंबर 2017 से शुरू हुआ था। इस बैच में 92 आईपीएस प्रशिक्षु शामिल थे, जिसमें 12 महिला आईपीएस और 11 विदेशी अधिकारी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि कुछ लोगों के अभी दबे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। भिवंडी निजामपुर निगम के कमिश्नर अशोक रणखंब ने बताया कि ये इमारत 8 साल पुरानी है, इसका निर्माण अवैध ढंग से किया गया है, जिसकी जाँच की जाएगी। श्रीलंका के बाद अब मालदीव भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में भारत के समर्थन में आया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीते दिनों फोन पर बात हुई। इस दौरान अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू अलग, कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना भारत का आंतरिक मामला है। बागपत के बड़ौत थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते कुछ स्कूली छात्रों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक छात्र को आईसीयू में रखा गया है। वहीं छात्रों के परिजनों की माने तो कुछ दिन पहले भी छात्रों ने स्कूल परिसर में मारपीट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन प्रबंधक ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए थे। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ये बड़ौत थाने के अंतर्गत एक स्कूल है, डिवाइन पब्लिक स्कूल। वहाँ पर आज सूचना मिली थी दोपहर के आसपास कि वहाँ पर कुछ छात्रों में आपस में झगड़ा हुआ है, तो इस पर तुरंत पुलिस वहाँ पहुँची और जो घायल थे उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसमें बातचीत के दौरान ये बताया गया छात्रों के द्वारा कि एक सुमित नाम का लड़का है जिसके द्वारा उन लोगों के ऊपर हमला किया, उसके साथ उसके कुछ और भी दोस्त थे। बांदा के मटोद थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन के विरोध में बालू से भरे एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को मारने की कोशिश की। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल युवक इस अवैध खनन का लगातार विरोध कर रहा था, जिसके चलते ट्रैक्टर के ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, धार्मिक विषयों के साथ हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों को भी अब अनिवार्य विषय के तौर पर मदरसों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करूंगा, साधुवाद करूंगा और अपने संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, कि उन्होंने कम से कम हमारे ऊपर ये विश्वास जताया कि अब अल्पसंख्यक कल्याण में भी हमको मौका दिया है काम करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो पहले की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको साथ में मिलाकर तेजी से काम करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लिए, और खास करके मुस्लिम समाज जो पिछड़ा रहा है हमेशा से, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके लिए मदरसों को मॉडर्नाइज किया है, एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की है योगी सरकार में, और साथ साथ जो नए मदरसे हमारे बन रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं जिसको मान्यता लेने के लिए, उन नए मदरसों के अंदर हम जो शिक्षा है उसका स्तर बेहतर करने के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट करेंगे। साइंस है, अंग्रेजी है, मैथ्स है, इस तरह के चीजों को, सामान्य हिंदी है, इन सब चीजों को लागू कर दिया गया है कि अब अनिवार्य होगा, ताकि मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आईआईएम में जाएं, आईआईटी में जाएं, आईएएस आईपीएस बने, वो भी मुख्य धारा में जुड़े और अपने समाज के लिए और अपने देश और प्रदेश के लिए और उसके निर्माण में काम आए। सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। इस फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सोनभद्र के जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आए एक जच्चा और बच्चा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों का
आरोप है कि डॉक्टर के अस्पताल में देर से आने की वजह से ही महिला की मौत हो गई। वहीं इस मामले पर अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है, इसकी जांच की जाएगी और अगर जांच में डॉक्टर या अन्य किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले हैं तो आकाश की तरफ देखिए, आप अकेले नहीं है, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है, तो आप अकेले नहीं हैं।